सब्सक्राइब कीजिए न्यू साइंस क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू साइंस क्लासेस। आज मैं आपको महात्मा गांधी के बारे में कुछ बताऊंगा, उनके जन्म से रिलेटेड और उनके जीवन से। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात में हुआ था। उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 दिल्ली में हुई थी। उनकी कार्य की उपलब्धियाँ थी, स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने। महात्मा गांधी के नाम से मशहूर मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक नेता थे। सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलकर उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके इन सिद्धांतों ने पूरी दुनिया में लोगों को नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित किया। उन्हें भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1944 में रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। महात्मा गांधी समुच्च मानव जाति के लिए मिसाल हैं। उन्होंने हर परिस्थिति में अहिंसा और सत्य का पालन किया और लोगों से भी इनका पालन करने के लिए कहा। उन्होंने अपना जीवन सदाचार में गुजारा। वह सदैव परंपरागत भारतीय पोशाक धोती व सूत से बनी साल पहनते थे। सदैव शाकाहारी भोजन खाने वाले उस महापुरुष ने आत्मशुद्धि के लिए कई बार लंबे उपवास भी रखे। द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ में गांधी जी अंग्रेजों को अहिंसात्मक नैतिक सहयोग देने के पक्षधर थे, परंतु कांग्रेस के बहुत से नेता इस बात से नाखुश थे कि जनता के प्रतिनिधियों के परामर्श लिए बिना ही सरकार ने देश को युद्ध में झोंक दिया। गांधी ने घोषणा की कि एक तरफ भारत को आज़ादी देने से इनकार किया जा रहा था और दूसरी तरफ लोकतांत्रिक शक्तियों की जीत के लिए भारत को युद्ध में शामिल किया जा रहा था। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, गांधी जी और कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन की मांग को तीव्र कर दिया। हरिजन आंदोलन। दलित नेता B.R. अम्बेडकर की कोशिशों के परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार ने अछूतों के लिए एक नए संविधान के अंतर्गत पृथक निर्वाचन मंजूर कर दिया था। यरवेड़ा जेल में बंद गांधी जी ने इसके विरोध में सितंबर 1932 में 6 दिन का उपवास किया और सरकार को एक समान व्यवस्था पूना पैक्ट अपनाने पर मजबूर किया। अछूतों के जीवन को सुधारने के लिए गांधी जी द्वारा चलाए गए अभियान की यह शुरुआत थी। 8 मई 1933 को गांधी जी ने आत्मशुद्धि के लिए 21 दिन का उपवास किया और हरिजन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एक वर्षीय अभियान की शुरुआत की। अंबेडकर जैसे दलित नेता इस आंदोलन से प्रसन्न नहीं थे और गांधी जी द्वारा दलितों के लिए हरिजन शब्द का उपयोग करने की निंदा की। खिलाफत आंदोलन। कांग्रेस के अंदर और मुस्लिमों के बीच अपनी की लोकप्रियता बढ़ाने का मौका गांधी जी को खिलाफत आंदोलन के जरिए मिला। खिलाफत एक विश्वव्यापी आंदोलन था जिसके द्वारा खलीफा के गिरते प्रभुत्व का विरोध सारी दुनिया के मुसलमानों द्वारा किया जा रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद ऑटोमन साम्राज्य विखंडित कर दिया गया था, जिसके कारण मुसलमानों को अपने धर्म और धार्मिक स्थलों के सुरक्षा के लिए दिक्कत थी। अब वह इस स्थिति में थे कि अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग, अहिंसा तथा शांतिपूर्ण प्रतिकार जैसे अस्त्रों का प्रयोग कर सकें। इस बीच जलियांवाला नरसंहार ने देश को भारी आघात पहुँचाया, जिससे जनता में क्रोध और हिंसा की ज्वाला भड़क गई। इसी प्रकार से उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए, दांडी यात्रा की, गांधी जी की हत्या। 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दिल्ली के बिरला हाउस में शाम 5:17 पर हत्या कर दी गई। गांधी जी एक प्रार्थना सभा को संबोधित करने जा रहे थे जब उनके हत्यारे नाथुराम गोडसे ने उनके सीने में 3 गोलियां दाग दी। ऐसा माना जाता है कि हेराम उनके मुख से निकले अंतिम शब्द थे। नाथुराम गोडसे और उसके सहयोगी पर मुकदमा चलाया गया और 1949 में उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई।